हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। दिस इज लर्निंग वर्ल्ड। तो आज की वीडियो का टॉपिक हमारा कॉस्ट कैटेगरी और कॉस्ट सेंटर। ठीक है, पहले ये क्या होता है वो मैं आपको समझा देता हूँ। तो कॉस्ट सेंटर या कॉस्ट कैटेगरी का मतलब होता है जो भी कॉस्ट आ रही है। ठीक है, जैसे कि अगर आपको पेमेंट करनी है अपने एम्प्लॉय की, तो कोई भी ओनर मालिक कंपनी का एक ही चेक में पेमेंट करना चाहता है। वो ऐसा तो नहीं है कि उसकी कंपनी है 5,000 वर्कर है तो हर एक वर्कर को अलग अलग चेक दे, ऐसा नहीं होता। वो एक ही चेक में सारे वर्करों की पेमेंट कर देता है और इसी को बोलते हैं कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट कैटेगरी। ठीक है, जैसे कि आप दूसरा एग्जाम्पल ले लो, आपको आपके कुछ एजेंट हैं, ठीक है, उन एजेंट से आपको कमीशन रिसीव होता है। ठीक है, तो आप उसकी एंट्री कैसे करेंगे वो टैली में करना ही कहलाता है कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट कैटेगरी। वीडियो में हम स्टेप से स्टेप समझेंगे, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट में भी मुझसे पूछ सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं इंस्टा पे। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो टैली ओपन हो चुकी है, अब हमें करना है कंपनी क्रिएट। ठीक है, मैं कंपनी क्रिएट कर लेता हूँ। क्रिएट का ऑप्शन दिख रहा है, अगर आपको क्रिएट का ऑप्शन नहीं दिखता तो आप F3 कीजिए, फिर क्रिएट कंपनी पर जाइए। दूसरा तरीका भी है, आप ऑल्ट प्लस K कीजिए फिर क्रिएट पर जाइए। तो तीनों तरीके से आप कंपनी क्रिएशन पे आ जाएंगे। यहाँ पे कंपनी का नेम तो हम कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट के नाम से कंपनी बना लेते हैं। ठीक है, एंटर करके बेसिक डिटेल्स भी आपको भरनी होती है, पर अभी हम लर्निंग मोड पे हैं तो एड्रेस नहीं भरते, सीधा स्टेट फिल कर देते हैं। ओके, पिन कोड डालना है और एंटर करके एक्सेप्ट कर लेना है। जैसे ही आप इसे पूरा एंटर करेंगे तो ऑप्शन खोलेंगे, उन ऑप्शन में से आपको कुछ चालू करने हैं तो नीचे आइए। और हमें यहाँ पर चालू करना है क्या, इनेबल कॉस्ट सेंटर वाला ऑप्शन, इस पर वाई टाइप करके एंटर कर दीजिए, चालू हो जाएगा। अगर ये ऑप्शन आपको नहीं दिखते तो ऊपर जो शो ऑल फीचर्स के ऑप्शन है उन पे आप क्लिक कीजिए तो दिखने लग जाएंगे। दूसरा ऑप्शन हमें जो चालू करना है वो है हमारा क्या, तो हम कर देते हैं दूसरा ऑप्शन चालू, कौन सा, इनेबल कॉस्ट ट्रैकिंग का। इस पर आने के बाद एंटर कीजिए यस टाइप करके। ठीक है, और ये चालू हो गए। इन्हें एंटर करके मैं एक्सेप्ट करूँ और कुछ ज़्यादा नहीं कर रहा। ठीक है, ये देखिए एंटर कर लिया। अब जैसे कि आप मान लीजिए जल्दी जल्दी एंटर करने की वजह से या शॉर्टकट की का यूज़ करके एक्सेप्ट करने की वजह से ऑप्शन चालू नहीं कर पाए और आप उन्हें चालू करना चाहते, तो आपको करना है क्या, प्रेस करनी है की F11, और F11 प्रेस करेंगे तो ये ऑप्शन आपको वापस दिखने लग जाएंगे। ठीक है, तो आप यहाँ से इनको चालू कर सकते हैं और एक्टिव कर सकते हैं। चलिए मैंने एक्सेप्ट कर लिया, तो अब जो हमारा कंपनी बन चुकी है, ऑप्शन भी हमने चालू कर लिए हैं। तो क्वेश्चन किस, ठीक है, तो जो एक्टिविटी हो रही है, हमें पैसे मिल रहे हैं कहाँ से, हमारे तीन एजेंट हैं राम, श्याम और सीता। तो ये जो तीन एजेंट हैं इनके थ्रू हमें कमीशन मिल रही है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जाएंगे कहाँ, गेटवे ऑफ टैली। तो गेटवे ऑफ टैली वो है जो आप मेरी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ठीक है, इसको ही बोलते हैं गेटवे ऑफ टैली। अब जाएंगे अकाउंट क्रिएट में। ठीक है, क्रिएट में गए और यहाँ पे कुछ ऑप्शन आपको नहीं दिखेंगे, तो हमें जो बनाना है वो बनाना है कॉस्ट कैटेगरी। कॉस्ट कैटेगरी हमें बनाना है, पर यहाँ पे कॉस्ट कैटेगरी का ऑप्शन नहीं दिख रहा, तो हमें ऊपर जो ऑप्शन दिखा है ना शो मोर पे, इस पर क्लिक करना है और इसे हाइड किए ऑप्शन सारे दिखने लग जाएंगे। अब कॉस्ट कैटेगरी का ऑप्शन हमें दिख रहा है और कॉस्ट कैटेगरी पे क्लिक करना है और यहाँ पे क्रिएट न्यू लेना है। अब यहाँ पे थोड़ी सी कन्फ्यूज़न हो जाती है कि हम कौन से ऑप्शन पे अभी खड़े हैं या कौन से ऑप्शन पे अभी हम हैं। तो जो येलो बॉर्डर दिख रहा है आपको ना, तो इसका ये मतलब है कि अभी हम क्रिएट न्यू वाले ऑप्शन पे हैं। अगर ये मैंने अब कर दिया इसको अल्टर एग्जिटिंग, ठीक है, तो ये येलो लाइन इस पर है तो मतलब इस ऑप्शन पर है, जिस पर भी ये येलो लाइन है उस ऑप्शन पर हम हैं, तो इसलिए येलो लाइन को हम कर लेते हैं क्रिएट न्यू पे। एंटर करते हैं, यहाँ नेम पूछ रहा है तो नेम में क्या लिखते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, अगर आप एम्प्लॉय की पेमेंट दे रहे हैं तो भी आप इसे एम्प्लॉय लिख सकते हैं। ठीक है, और राम, सीता और श्याम कौन थे, मेरे एजेंट। ठीक है,
तो वो एजेंट लिखना है हमें, ग्रुप लिखना है कि किस ग्रुप का बंदा है, कौन है ये ग्रुप, ठीक है। तो एजेंट अभी मुझे पैसे दे, कमीशन दे रहे हैं, तो एजेंट के नाम से मैं बना लेता हूँ, ओके। एंड एजेंट लिख के एंटर करके एक्सेप्ट कर लेना है, ठीक है। अब जो हमने कैटेगरी बना ली है तो हमें जाना है वापस, ठीक है। वापस आने के बाद कैटेगरी तो एक ही होती है, चाहे कोई भी हो, अकाउंटेंट फील्ड का बंदा हो, एम्प्लॉय हो, कैटेगरी एक ही होती है। उसके बाद हमें बनाए कॉस्ट सेंटर, एंटर कर लीजिए। कॉस्ट सेंटर में हम क्या फिल करेंगे, तो यहाँ कैटेगरी आ रहा है ना, तो स्पेस का बटन दबाइए और यहाँ देखिए आपने जो एजेंट लिखा था वो राइट साइड दिख रहा है, तो इस एजेंट को नीचे एरो की हेल्प से आ जाइए और क्लिक कर दीजिए। तो ए एजेंट जो हमने ग्रुप बनाया था वो कैटेगरी में लिखना है, और नेम में लिखना है जो भी हमारे एजेंट हैं, तो राम सीता लिख देते हैं हम। राम मेरा पहला एजेंट है, ठीक है। दूसरा एजेंट श्याम है, ओके। एंटर करके एक्सेप्ट मैं कुछ ज़्यादा नहीं कर रहा, एजेंट तो कैटेगरी में अभी भी लिखा हुआ है, तो उसी तरह हम सीता को भी लिख लेंगे, ओके। एंटर करके एक्सेप्ट। अब हमने दो चीज़ें बना ली, कॉस्ट कैटेगरी और कॉस्ट सेंटर। अब हम जा रहे हैं वापस। अब जो हमें बनाना है वो है लेजर। पर मान लीजिए कि हमने नाम तो दे दिया, इसमें ये भर दिया कि हम एजेंट से पैसा कमीशन मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद हमने एजेंट के नाम लिख दिए। अब हमें बनाना है लेजर, ठीक है। तो क्रिएट में तो हम हैं ही, लेजर का ऊपर लिखा हुआ है, तो इस पर चले जाइए। लेजर में क्या बनेगा, सबसे पहले तो कमीशन मिल रही है हमें, तो कमीशन रिसीव का, कमीशन रिसीव, ओके। अब कमीशन रिसीव होती है तो ये क्या होती है, इनकम होती है, और कैसी इनकम, इनडायरेक्ट इनकम, ठीक है। तो इसे हम इनकम इनडायरेक्ट में, इनडायरेक्ट इनकम में ले लेंगे, ओके। एंटर करके एक्सेप्ट कर लेना है और इसे भी एंटर करके एक्सेप्ट कर लेना है, ठीक है। एक्सेप्ट कर लिया मैंने। अब जो नेक्स्ट स्टेप है हमारा वो क्या है, हम जाते हैं वाउचर में, कौन सी, रिसिप्ट वाले वाउचर में। अब एक बात और आपको बता दूं कि अभी हमने कमीशन का लेजर बनाया है, ठीक है, इसके अलावा कोई भी लेजर नहीं बनाए। अपने एजेंटों के नाम बता दिए और वो बता दिए कि वो है कौन एजेंट है, ठीक है। बस तीन ही काम किए हैं। पर अभी तो हम कैश में पैसा ले रहे हैं, कैश में कमीशन ले रहे हैं, पर अगर आपको बैंक में कमीशन चाहिए तो आपको यहाँ बैंक अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो चलो हम बैंक अकाउंट बना लेते हैं, PNB पंजाब बैंक, ठीक है, PNB बैंक। अब ये बैंक अकाउंट में ही जाता है, एंटर कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ कॉस्ट सेंटर एप्लीकेबल पूछ रहा है, तो हम इसे एप्लीकेबल कर देंगे, ओके। और बाकी का एंटर सेम करके एक्सेप्ट कर लेंगे। अब जैसे मैंने लेजर ही बना लिया, अब हम चलते हैं वापस, ठीक है। अब हम आगे गेटवे ऑफ कंपनी पे। अब जैसे कि जो मैंने एजेंट थे तीनों, वो मुझे कमीशन दे रहे हैं, तो कमीशन दे रहे तो क्या होगा, हमें रिसीव होगा, और रिसीव की वाउचर एंट्री कहाँ करते हैं हम, रिसिप्ट में। तो वाउचर ओपन कर लिया, शॉर्टकट की वी के थ्रू, वी ओपन हो गया। रिसिप्ट का वाउचर कैसे ओपन करना है, ये आप राइट साइड में देखिए, यहाँ पे लिस्ट और इनकी शॉर्टकट की है, तो उस पर आप देख सकते हैं। रिसिप्ट की शॉर्टकट की F6, ठीक है, एक्सेप्ट किया तो रिसिप्ट आ गया, ठीक है। अब रिसिप्ट में सबसे पहले पूछ रहा है क्रेडिट, ठीक है, तो क्रेडिट किसके थ्रू हुआ है, तो नॉर्मल सी बात है, कमीशन रिसीव, ठीक है, तो क्रेडिट में आ जाएगा कमीशन रिसीव। अब कितनी कमीशन रिसीव हुई, तो हम 50,000 ले लेते हैं, ठीक है, एंटर कर लिया। अब यहाँ पे कॉस्ट कैटेगरी आ गया। अब मुझे भी नहीं पता कि यहाँ भरना क्या है, और आपको भी नहीं पता भरना क्या है, और कभी भी आप भूल जाएं तो क्या करना है, बस स्पेस का बटन दबाना है। जैसे ही आप स्पेस का बटन दबाएंगे तो आपको यहाँ पूछ रहा है एजेंट आ गया ना, तो समझ जाएंगे आप यहाँ से हमें एजेंट की कैटेगरी देनी है। कैटेगरी मतलब कौन है वो लोग जिनसे हमें पैसा मिल रहा है, तो हमारे एजेंट हैं, बस यही बताना है। जैसे ही हमने एजेंट फिल किया, उसके बाद नेम ऑफ कॉस्ट सेंटर के नीचे आ गए,
फिर हम स्पेस दबाते हैं ताकि क्या भरना है वो समझ में आ जाए। अब यहाँ राम सीता श्याम के नाम आ गए, मतलब साफ है कि मैं अपने एजेंट के नाम फिल करने हैं। मैंने लिख दिया राम, ठीक है। अब ये राम के आगे टोटल 50,000 है, इसका क्या मतलब है कि राम ने हमें 50,000 कमीशन दिया, पर ऐसा नहीं है, 50,000 तो तीनों ने मिलकर दिया है। तो ठीक है, जिसने जितना दिया आप उतना अमाउंट लिखें। जैसे कि मान लेते हैं राम ने मुझे 15,000 कमीशन दिया, तो मैंने 15,000 लिख दिया, एंटर कर दिया। अब फिर स्पेस किया तो श्याम को ले लिया, श्याम ने मुझे 35, श्याम ने दिया मुझे 15 का, श्याम ने भी 15 का ही दिया, ठीक है। अब बची सीता, तो जो सीता को हम लेंगे ना तो वो ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा, ओके 20,000। अब हमें करना है एंटर और एक्सेप्ट। यहाँ पे मैंने श्याम ही नाम फिर से ले लिया और इसीलिए ये एंटर एक्सेप्ट नहीं कर रहा, तो ये मैंने श्याम लिया है ना, तो इसको चेंज करके मुझे सीता लेना होगा, ओके सीता ले लिया, अब एंटर करके एक्सेप्ट कर लिया, ये एंट्री बन चुकी है। और डेबिट हुआ है तो ये पूछ रहा है कि जो डेबिट का मतलब क्या होता है, जिधर पैसा आया है तो पैसा किस में आया है, हमें बैंक में आया तो बैंक अकाउंट, कैश में आया, कैश मिला है तो कैश, तो अभी हमें बैंक मिला है तो हम बैंक ले लेते, पंजाब बैंक, एंटर कर लिया, ओके कैश मिला है तो आप कैश ले लीजिए, ठीक है। जैसे एंटर करना है और यहाँ पे बैंक में डिटेल्स मांग रहा है, ठीक है, तो मैं वापस चलता हूँ एक कदम। अब मैं एंटर करता हूँ और यहाँ पे डिटेल्स मांग रहा है, तो यहाँ से मैं एंटर कर रहा हूँ तो ये डिटेल्स मांग रहा है। इसका ये मतलब है कि हमें यहाँ पे भी क्रिएट करना है। पहले तो हमने ये क्रिएट किया था कि किसने हमें पैसा दिया, कमीशन दिया, अब हम ये क्रिएट करेंगे किसने पैसा दिया और किसका पैसा कितना अकाउंट में गया, ठीक है, क्योंकि बैंक वालों को तो रिकॉर्ड चाहिए होता है, ठीक है। तो फिलहाल हम इसको वापस कर लेते हैं, हम यहाँ पे कैश ले लेते हैं, ठीक है, और एंटर करके एक्सेप्ट कर लेते हैं। ये देखिए कैश में ऑटोमेटिकली इसने फिल कर दिया, एक्सेप्ट कर लेना है। ये देखिए एक्सेप्ट का नीचे ऑप्शन आ रहा है और यहाँ पे एंट्री हो जाएगी हमारी कंप्लीट, ठीक है। पर मैं तो आपको करवाने वाला हूँ बैंक का, वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, ठीक है। तो ये देखिए मैंने यहाँ बैंक ले लिया, अब मैं इसे एंटर करता हूँ और ये आ गया। इसका यही मतलब है कि डिफाइन करना है कितना पैसा कहाँ से आया, ठीक है, बैंक में कितना पैसा कहाँ से आया, ठीक है। पर मैं चाहता हूँ कि ऑप्शन ना आए, तो सिंपल सी बात है हमें वापस जाना है, ये थोड़ा सा और वापस, ठीक है, बैक स्पेस की हेल्प से। अब आपको आना है बैंक के नाम पे, पंजाब बैंक लिया था हमने तो उसके नाम पे आ गए। नाम पे आने के बाद हमें कंट्रोल प्लस एंटर करना है, तो हम आ जाएंगे लेजर में पंजाब बैंक के, ठीक है। अब यहाँ पे हमने जो ऑप्शन चालू किया था ना, कॉस्ट सेंटर आर एप्लीकेबल, तो इसको नो कर देना है, नो कर दिया, अब एंटर करके एक्सेप्ट कर लें हम, ठीक है। अब आप पंजाब बैंक को एंटर करिए, ठीक है, यहाँ पे चेक डीडी नंबर तो कुछ नहीं आया, एंटर कीजिए। अब यहाँ हमें बिल नंबर, चेक नंबर होता है, नॉर्मल सी बात है, हमें चेक में ही पेमेंट मिली होगी 50,000 की, तो चेक नंबर आप यहाँ फिल कर सकते हैं। तो फिलहाल मैंने कोई एक नंबर फिल कर दिया है, ठीक है। चेक नंबर कहाँ फिल करना है, इंस्टेंट नंबर के यहाँ, INST नंबर के यहाँ, ओके एंटर करके एक्सेप्ट कर लीजिए। बैंक नेम पूछ रहा तो आप बैंक नेम भी फिल कर सकते हैं, मैं नहीं करता, और एंटर करके एक्सेप्ट। ये देखिए हमारी एंट्री कंप्लीट। इसे देखने के लिए हम डे बुक में जा सकते हैं, ठीक है, और ये देखिए रिसीव कमीशन फर्स्ट एंट्री वाउचर नंबर फर्स्ट है, ये देखिए ये काम है। अगर आपको इसका प्रिंट देखना है, ठीक है, तो कंट्रोल प्लस पी कर दीजिए, प्रीव्यू पे चले जाइए और अल्ट प्लस जेड कर दीजिए तो जूम हो जाएगा और ये देख लीजिए। अब ये प्रिंट आया जैसे आपकी पासबुक में आता है ना, आपने कभी पासबुक प्रिंट करवाई होगी तो देखा होगा, कुछ इस तरह का पासबुक में आता है। मेरी पंजाब बैंक की है इसलिए कुछ इस तरह ही दिखता है, अगर आपकी स्टेट बैंक की है तब भी इसमें इस तरह ही दिखेगा, कोई फर्क नहीं होगा, ठीक है। थोड़ा हाँ टेबल का फर्क हो जाता है कि थोड़ा इसमें लंबाई थोड़ी टेबल की ज़्यादा है, उसमें आपकी थोड़ी सी कम लंबाई हो जाएगी। तो वीडियो आज की ख़त्म हुई, वीडियो में कोई क्वेरी है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब चैनल पे कमेंट कीजिए। अगर मुझे लगा आपकी प्रॉब्लम जेन्युइन है, उस पर वीडियो बनानी चाहिए, तो मैं वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपका नाम हैशटैग करूंगा। और अगर मुझे लगा कि आपकी प्रॉब्लम पर्सनल है
या फिर ऐसी है जो बस आपको ही है, तो मैं सिंपली आपसे कांटेक्ट करके आपको प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भेज दूंगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड लाइफ, कीप लर्निंग, फॉलो मी ऑन इंस्टा एंड यूट्यूब।